आप कुछ भी कर लें, मीडिया तो है ना तब्दीली के दावेदार, और स्टेटस को के खिलाफ जहाद का आलम बुलंद करने वाले भी प्रोटोकॉल के शौकीन निकले। इमरान खान के दौरे के बाद छुट्टी के बावजूद गोमन यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान खुली रखने का फैसला किया गया। कप्तान को प्रोटोकॉल देने के लिए प्रोफेसर साहिबान और यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की छुट्टी मंजूर करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। बात कर लेते अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज अहमद, इससे कब हमने देखा कि अगर किसी सियासी रहनुमा को प्रोटोकॉल देना होता है तो या तो यूनिवर्सिटीज बंद कर दी जाती हैं, ये तो खोल दी गई। जी बिल्कुल दुरुस्त था सलमान आपने, और चेयरमैन तरीके साहब इमरान खान की वो पॉलिटिशियन थे जिन्होंने कई बार जो है वो प्रोटोकॉल के खिलाफ आवाज उठाई, कहा कि प्रोटोकॉल के भी वो खिलाफ हैं, लेकिन इस बार वो खुद जो है वो प्रोटोकॉल ले रहे हैं। 23 सितंबर को इमरान खान जो है वो डेरा इस्माइल खान का दौरा करेंगे, और चेयरमैन तरीके साहब इमरान खान के साथ जो है वज़ीर-ए-आला परवेज खटक जो है गुमज यूनिवर्सिटी डी ए खान जाएंगे, जहाँ पर जिसके बायस जो है यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि इमरान खान और परवेज खटक के प्रोटोकॉल के बायस जो 30 सितंबर यानी कि हफ्ते वाले दिन जो छुट्टी से मंसूख कर देगी, और तमाम एचओटीज और यूनिवर्सिटी के जितने भी मुलाजमीन हैं उन्हें हिदायत जारी की गई है कि वो हर हाल में यूनिवर्सिटी पहुंचे, और हफ्ते की जो छुट्टी है उसे मंसूख कर दिया गया है। तो इस वाले से आपको बताऊं कि इमरान खान का एक रोजा दौरा होगा जहां पर उन्होंने सेमिनार से खिताब भी करना है। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद।